الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سیدو سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان شاہباز 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 لا مکانی جانیو رحمت لل رحمت لل عالمی درشانیو جنت ال جنت ال جنت ال فردوس کوئے مصطفیٰ حسن مطلق حسن مطلق ہست روئے مصطفیٰ جان رنداں جان مستاں پیر ماں نور حق نور محمد
बासफा। हम्द सना के बाद वजीबुल एहतराम उलमाए किराम मौज़ज़ीने अलाका, आज हम सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मेराज मनाने के लिए जमा हुए हैं और हम इस मौके पर खुशी का इजहार क्यों ना करें कि इस मौके पर खुदा के फरिश्तों ने खुशियां मनाई, मेराज पर जन्नत की हूरों ने जश्न मनाए, मेराज पर खुद रब्बे कायनात ने जश्न मनाया, तो हम इस मुबारक मौके पर अपनी खुशी का इजहार क्यों ना करें। सामने ज़िलकार मशहूर आया मुबारक तिलावत की है और इस आयत के एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ पर अगर गौर किया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा की अजमत के मीनार रोशन होते हैं। सामने ज़िलकार रब्बे कायनात का रोज़े अज़ल से एक कानून है कि अल्लाह ताला जब भी किसी इलाके की तरफ कोई नबी भेजता तो उस इलाके के लोग जिस हुनर और जिस काम के माहिर होते अल्लाह ताला अपने नबी को भी वैसा ही मौजज़ा अता फरमाता। जुमला मुश्किल है, मैं इसकी वजाहत के लिए मिसाल अर्ज करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब ज़माना था, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, तो आपके ज़माने में जादू टूना बड़े उरूज पे था, एक से एक जादूगर, एक से एक बढ़कर जादू करने वाले लोग मौजूद थे। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के साथ मामला हुआ तो फिरौन ने कहा कि मैदान लग जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लगा ले मैदान। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुला लिया, मैदान लग गया, लोग आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा है। फिरौन के जादूगरों ने छोटी छोटी रस्सियाँ फेंकी, अब वो देखने वालों को सांप लग रही थी कि जैसे सांप के छोटे छोटे बच्चे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस जादू के माहौल में ऐसा ही मौजज़ा अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये जो आपके हाथ में असा है, ये जो आपके हाथ में लाठी है, आप जरा मैदान में फेंकें और देखें इनका हशर क्या होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असा मैदान में फेंका, हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये तजर्बा इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि वो असा सांप बना हो। जब पूछा ना अल्लाह ताला ने कि मूसा आप इस असा से क्या करते हैं, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया इसका इस्तेमाल, कहा कि मैं तो टेक लगा लेता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ, यही कहा था, कभी नहीं कहा कि मैं इसका सांप भी बना लेता हूँ। ये अल्लाह का अता करदा ये मौजज़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो असा मैदान में फेंका तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया और उनके छोटे छोटे सांपों को खा गया। अब वो जादूगर समझ गए कि जादू तो हम भी करते हैं, जादू की सारी किस्मों से वाकिफ हैं, लेकिन जो आज मूसा ने किया है ये जादू नहीं है बल्कि ये वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और उसी मैदान में उलमा ने लिखा कि वो जादूगर कलमा पढ़ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। तो इसलिए जिस माहौल में नबी आता है, जिस माहौल में नबी तशरीफ लाता है, उस माहौल, उस वक्त में, उस ज़माने में लोग जिस काम के भी माहिर होते हैं अल्लाह अपने नबी को भी वैसा ही मौजज़ा अता फरमाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हिकमत, तिब यानी डॉक्टरी बड़े उरूज पर थी, एक से एक हकीम, एक से एक दाना हकीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी हिकमत का मौजज़ा अता फरमाया। आप क्या करते थे, मादरजात पदेशी अंधा उसकी आंखों पर हाथ रखते थे, अल्लाह आंखें वापस कर देता था। कोढ़ वाले के जिस्म पर हाथ फेरते थे, अल्लाह शिफा अता कर देता था। यहां तक के मुर्दे को कह देते थे
कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के डॉक्टरों ने देखा कि हम भी हकीम हैं, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, और एक तरीका है कि पहले मरीज की नब्ज देखकर उसके मर्ज का पता लगाया जाता है, मर्ज की तशखीस के बाद फिर दवा तजवीज़ की जाती है, दवा तजवीज़ करने के बाद एक अरसा तक मरीज वो एक ख़ास तरीके से दवा इस्तेमाल करता है, फिर कहीं जाकर इफाका होता है। लेकिन ईसा जो करते हैं कि पैदाइशी अंधा आ जाए, सिर्फ हाथ रखते हैं तो उसको आंखें मिल जाती हैं, कोहड़ के जिस्म वाले पर हाथ फेरते हैं तो उसको शिफा मिल जाती है। अरे यहाँ तो और किस हद तक बात पहुँच चुकी है कि मुर्दे को कहते हैं खड़ा हो जा तो वो भी खड़ा हो जाता है। तो ये ईसा जो करते हैं ये हिकमत नहीं है, ये वाकई अल्लाह का अता करदा मौजज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आज तारे खत्मे नबूवत, आज तारे खत्मे नबूवत। अब आए चलते आए, जमाना आता है मेरे और आपके आका का, मेरे और आपके हादी और मुरब्बी का, हमारे मलजा, हमारे माहवा, हादी आजम, नबी मुअज्जम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जब ज़माना मुबारक आया तो आपके ज़ाहरी हयात तजबा में शेर व शायरी का बड़ा दौर था, फसाहत और बलागत का, शेर व शायरी का बड़ा दौर था। छोटे छोटे बच्चे कई कई हज़ार अरबी में शेर ज़ुबानी याद हैं, एक जगह पे बैठे शेर पढ़ना शुरू हुए, सारी सारी रात गुजर जाती थी, उनके अशार ख़त्म नहीं होते थे, यहाँ तक कि खाना काबा के अंदर इनका रोज़ाना मुशायरा होता, महफिल मुशायरा लगती, और उसमें सारे शायर अपना अपना कलाम पेश करते, जिसका कलाम सबसे बेहतरीन होता उसको बैतुल्लाह के दरवाज़े के साथ लटका दिया जाता, और ये एक गोया के चैलेंज होता कि ये सबसे बेहतरीन कलाम है, इसके मुकाबले में लिख के लाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक रात ऐसा हुआ कि एक सहाबी रसूल चोरी से गए और खाने काबा की दीवार पर इन्ना आतैना कल कौसर लिख कर आ गए। अब ये शेर व शायरी का ज़माना था, तो अल्लाह ने इस ज़माने के मुकाबले के लिए अपने नबी को कुरान का मौजज़ा अता फरमाया, कुरान का मौजज़ा अता फरमाया। सहाबी रसूल जाते हैं रात के अंधेरे में बैतुल्लाह के दरवाजे पर, लिख दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, लिख कर आ गए। आप देखते हैं कि ये आयतें भी ऐसे लगता है जैसे किसी शेर के मिसरे में कही गई है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये लिख दिया। अगले दिन सारे शायर इकट्ठे हुए, अब उन्होंने देखा कि चलो वो तो हमारा लटकाया हुआ है, अब ये कौन लिख गया। कहते चलो जिसने भी लिखा है चलो आज इसके मुकाबले में लिखते हैं, आज इसके मुकाबले में लिखते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सारे शायर लिखने बैठे, लिखने की कोशिश करते रहे, हाथ सूख गए, लेकिन कुरान के मुकाबले में एक लफ्ज भी ना लिख सके। बिल आखिर उनको लिखना पड़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये खुदा का कलाम था। नीचे अपना जुमला लिख दिया कि मा हाजल कलामुल बशर, कि ये कलाम किसी बंदे का लिखा हुआ नहीं लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ दिलचस्पी के लिए एक बात बताऊँ, इमराउल कैस एक शायर था, तो उसने कहा कि मैं कुरान के मुकाबले में लिखूँगा, और कहता है उसने कहा ठीक है लिखें आप, और लिख कर क्या लाया, अलकारिया तुम अलकारिया के वजन पर लिख के लाया, कहता है अलफील मलफील वमा अदरा का मलफील। तो ये ला के अपना कलाम पूरा उसने पेश किया कि ये जनाब मैंने कुरान के मुकाबले में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है, कि अलकारिया का तो मतलब है खनखनाने वाली, अब उसका पता नहीं क्या चीज़ है, एक इबहाम है, क्यामत का जिक्र है ना, तो क्यामत तो अभी देखी नहीं, कि खनखनाने वाली ये क्या है खनखनाने वाली, और तुम क्या समझे कि क्या है खनखनाने वाली, वो तो बात समझ आती, अभी क्यामत आई नहीं तो अभी कैसे पता चलेगा वो क्यामत क्या है। लेकिन तू जो लिख के लाया है अलफील हाथी, फील का माना हाथी, अलफील मलफील व माद, सबको पता है हाथी क्या होता है, यानी जिसने भी कुरान का मुकाबला करने की कोशिश की, या तो सिरे से एक लफ्ज भी नहीं लिख सका, या लिख कर भी लाया तो अपने साथियों से वो जलील हुआ है, लेकिन कुरान के मुकाबले में कोई एक लफ्ज भी
अल्लाह की रहमत से लिख कर नहीं लाया। अल्लाह अकबर। यार अनग्रामी, आज भी तो ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का है, ये ज़माना भी तो सरकार का है ना, और क़यामत तक आने वाला ज़माना सारा मेरे मुस्तफ़ा का है। किसी इलाके की कैद नहीं है, किसी वक्त की कैद नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत जहांगीर है, आफाकी रसूल हैं कि पूरी कायनात में मेरे मुस्तफ़ा का सिक्का चलना है, और क़यामत तक इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। तो आज का दौर भी तो सरकार का दौर है, लेकिन आज तो शेर व शायरी का दौर नहीं है। आज तो बेचारे शायर पता नहीं कहाँ कोनों में छुप छुपा गए, नज़र ही नहीं आता। आज तो शेर व शायरी का दौर नहीं है, आज तो साइंस का दौर है, आज तो इजादात का दौर है, आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है। आज से 25-30 साल पहले किसी ने सोचा तक नहीं था कि मोबाइल नाम की शायद भी कोई आएगी। आज अगर किसी के पास मोबाइल है तो कोई हैरत की बात भी नहीं, सबके पास ही है, कोई हैरानी वाली बात नहीं। दुनिया चांद पर पहुंच रही है, दुनिया सितारों को मुसख़र कर रही है, फिजा में सफर हो रहे हैं। यारन गमी, आज तो साइंस का टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब की अजमत को किसी तरह भी पीछे नहीं रखा। अल्लाह ने इस दौर के, इस वक्त के मुकाबले के लिए अपने नबी को मेराज का मौजा अता फरमाया। अल्लाह तकबीर, अल्लाह हालत, यशरीब राजे मुस्तफा जिंदाबाद, तहर मंजूर साहब जिंदाबाद। क्या बात कि आज के जमाने का मुकाबला करने के लिए मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने मेराज का मौजज़ा अता फरमाया कि आने वाले ज़माने में मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम कहीं सर झुकाने पर मजबूर ना हो जाएं, कहीं सर झुकाना ना पड़ जाए कि कोई अंग्रेज़ आकर कह दे कि तुम कौन हो, हम तो चांद पर पहुंच गए हैं, हम मरीख पर जा रहे हैं, तुमने क्या किया है। मैं कहता हूं ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने मुस्तफा के गुलामों का सर फखर से बुलंद कर दिया है, सीना चौड़ा कर दिया है कि आज कोई भी कहे तो मोहम्मद मुस्तफा का अदना गुलाम यह कह सकता है कि तुम चांद पर पहुंचकर, जिस चांद पर पहुंचकर तुमने पूरी दुनिया में शोर मचा रखा है। अरे 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा उस चांद पर अपना पैर जमा चुके हैं। कहां तक जाओगे, कहां तक पहुंचोगे? मेरे मुस्तफा को तो अल्लाह ने मेराज की रात वहां वहां का तक की सैर करा दी है कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे इल्म का दायरा भी वहां तक नहीं जा सकता कि मेरे मुस्तफ़ा को जहां जहां की सैर करवा दी गई है। तुम जहां भी पहुंचोगे, जितना भी ऊंचा उड़ोगे, जितना भी ऊंचा उड़ोगे, जिस जगह पर भी जाओगे, मेरे मुस्तफ़ा का नक्शे कदम पहले से मौजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। यारन गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा मेराज, अल्लाह ताला ने इसको बयान करने के लिए जो आगाज़ किया आयत मुबारक का, फरमाया सुबहान, सुबहान का लफ्ज़ शुरू हुआ सीन से, सुबहान अल्लज़ी असरा, सीन से शुरू किया, और इस आयत मुबारक का जहाँ पर इख्तिताम किया, आयत मुकम्मल जहाँ पर होती है समीउल बसीर, बसीर पर ये आयत ख़त्म हो रही है। बसीर का आखिरी हर्फ है रा। आयत मुबारक शुरू हुई तो पहला हर्फ था सीन, और आयत मुबारक मुकम्मल हुई तो आखिरी हर्फ है रा। और जब आयत की इब्तिदा और इंतहा को मिलाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, सीन और रा को जोड़ें तो बनता है सिर, बनता है सिर। और सिर का माना क्या है? राज। सिर किसे कहते हैं? राज को। कि अल्लाह ने गोया के आयत मुबारक में ये इशारा कर दिया कि मेरे मुस्तफ़ा के मेराज को अपनी अकल पर परखने वालों, मेरे मुस्तफ़ा की मेराज को अकल के बलबूते पर समझने वालों, जान लो कि मेरे मुस्तफ़ा का मेराज अल्लाह के राजों में से एक राज है, और अल्लाह का राज जब तक वो ना चाहे कोई उस राज को खोल नहीं सकता है, कोई उस राज को समझ नहीं सकता है। आज ज़्यादा सियाने लोग आ गए ना इस दौर में, उन्होंने कहा, बाज़ ने लिखा अपनी किताबों में, खुतबात अहमदिया में लिखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मेराज नहीं हुई। कहते हैं ये महज एक ख्वाब थी, ये महज एक ख्वाब थी, और ख्वाब देखा है सरकार ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बाज़ ने
कहा कि नहीं ये ख्वाब नहीं थी, था तो ये बकायदा एक सफ़र और एक सैर थी, लेकिन जिसमें जो कहा जाता है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से मुलाकात की, तो इसमें कोई दीदार वाली बात नहीं है, मुलाकात नहीं हुई। बाज़ ये भी कहते हैं, यारन ग्रामी मैं समझता हूँ ये सारे वसवसे कुरान पाक से दूरी के सबब हैं, कुरान पाक से दूरी के सबब हैं, या वो ख़ुद कुरान से दूर हैं या कुरान ने उनसे पर्दा कर लिया है। कुरान ने उनसे, हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि बेअदब और गुस्ताख बंदे से, कहते थे कि कुरान की आयतें इतनी हया वाली हैं, कुरान की आयतें इतनी हया वाली हैं, इतनी हया वाली हैं कि बेअदब और गुस्ताख से ये पर्दा कर लेती हैं। आहा, बेअदब और गुस्ताख से ये पर्दा कर लेती हैं, इतनी हया वाली कुरान की आयतें हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कुरान समझ नहीं आ रहा, या तो वो कुरान से दूर हैं या कुरान ने उनसे पर्दा कर लिया है। अगर कुरान को ही सही तरीके से पढ़ लें तो इन सारे औहाम का, इन सारे वहमों का इलाज कुरान ने करके भेजा है, सब वहमों का इलाज कुरान ने कर दिया है। जहाँ तक कहा जाता है कि मेरे मुस्तफ़ा को ये ख्वाब आई थी, तो कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा, सैर कराई है, सुबहानल्लज़ी असरा सैर कराई है, और किसको कराई है, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, अपने बंदे खास को सैर कराई है, अपने बंदे खास को सैर कराई है। यहाँ मैं ये बात अर्ज कर दूँ, हम अक्सर रवानी में कह जाते हैं सफ़रे मेराज, सफ़रे मेराज कह जाते हैं, हालांकि मेरा दिल नहीं मुतमिन होता इस पर। उसकी वजह क्या है कि सफ़र जब हम करते हैं तो सफ़र में तो परेशानी भी आती है, सफ़र में तो तकलीफ़ भी आती है, सफ़र में बाज़ दफ़ा हादसा भी हो जाता है, सफ़र में बाज़ दफ़ा नुकसान भी हो जाता है, सफ़र में बाज़ दफ़ा बंदा ज़लीलो ख़ार भी हो जाता है। सफ़र में तो फिर सारा कुछ है ना, सरकार ने ख़ुद फरमाया अस्सफ़र मिन अस्सक़र, के सफ़र जहन्नम के अज़ाबों में से एक अज़ाब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये सफ़रे मेराज नहीं, कुरान ने जो लफ्ज़ बोला है असरा, ये सैरे मेराज है, ये सफ़रे मेराज नहीं, ये सैरे मेराज है। सफ़र में तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, सैर में तकलीफ़ और मुसीबत नहीं है। सैर कैसे होती है कि सैर का मतलब ये है कि मौसम खूबसूरत हो, सैर में भी सुरूर भी होता है। माशाल्लाह, मशूक साहब कह रहे हैं सैर में सुरूर भी है, सैर सुरूर के साथ है, ये लाजिम मज़ूम, बगैर सुरूर के सैर नहीं, वो फिर सफ़र ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो के सैर में सुरूर है, और फिर सैर के अंदर इसकी कैफियत क्या है कि सैर में बंदा आराम से इत्मीनान के साथ टहलता टहलता हर चीज़ का नज़ारा कर रहा होता है, फिर जो अच्छी लगे उसकी तरफ चला भी जाता है, झुक भी जाता है, टहल भी जाता है, जहाँ दिल करे रुक भी जाता है, जहाँ दिल बात करने का करे वहाँ बातचीत भी कर लेता है। सैर तो ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे मुस्तफ़ा ने जो किए वो सफ़र नहीं, वो सैर है। और मेरे मुस्तफ़ा ने जो सैर की है, सुभान अल्लाह, ग़ालिब ने कहा कि जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं, कि मेरे मुस्तफ़ा सैर कर रहे हैं ना, जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं खरामा खरामा इरम देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इरम कहते हैं जन्नत को, कहते हैं कि जन्नत क्या है। मैं ज़रा मोहब्बत की ज़बान में अर्ज़ कर दूं कि गालिब के बकौल, गालिब के कहने के मुताबिक जन्नत क्या है, जन्नत क्या है। गालिब ये कह रहा है शेर में कि या रसूल अल्लाह, जहाँ जहाँ आपका नक्शे कदम लग जाता है वही जन्नत है। अल्लाह, जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं खरामा खरामा इरम देखते हैं। तो ये सैर। अगली बात ये कि फरमाया कि सैर किसको कराई, बी आबदी ही, अपने बंदाए खास को। आहा, अपने बंदाए खास को सैर कराई। और अरबी का ये कानून है कि अब्द का लफ्ज, अब्द का लफ्ज इंसान के लिए तब बोला जाता है जब उसका जिस्म और रूह दोनों जमा हों, जब जिस्म और रूह दोनों जमा हों, तो फिर उसको अरबी में अब्द कहा जाता है, बंदा कहा जाता है। मैं आपको आसानी के लिए अर्ज़ करूं कि अगर रूह जिस्म से अलग हो जाए, खाली जिस्म रह जाए, तो खाली जिस्म को हम बंदा नहीं कहते, मैयत कहते हैं। खाली जिस्म को बंदा नहीं कहते, मैयत कहते हैं। और अगर जिस्म को छोड़ें, रूह अलग हुई, तो खाली रूह को बंदा कहेंगे,
नहीं, खाली रूह को भी बंदा नहीं कहा जाता, खाली जिस्म को भी बंदा नहीं कहा जाता। रूह और जिस्म जब जमा हो जाते हैं तो फिर इस पर अब्द का लफ्ज बोला जाता है। और कुरान कहता है सुभान लजी असरा बी अब्द ही, अपने बंदे खास को सैर कराई है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि कुरान ने हर हर वहम का हल निकाल दिया है कि कुरान के मुताबिक कि मेरे मुस्तफा ने जब मेराज की सैर की है तो मेरे मुस्तफा अपने जिस्म और रूह के साथ मौजूद थे, कि ये ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत में मुस्तफा को सैर कराई है। और वैसे भी जब सरकार सफरे मेराज से वापस आए और अगले दिन बताया कि रात मैंने ये सैर की है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक बंदा इतने कलील से वक्त में कैसे मस्जिद अक्सा तक जा सकता है और आसमानों की सैरें कैसे कर? मक्के के लोगों ने इनकार कर दिया, इनकार किया ना। तो मुझे बताओ कि क्या ख्वाब में अगर कोई बंदा कहे, अगर कोई बंदा कहे कि मैं ख्वाब देखी कि रात मैं पूरी रात जी वाइट हाउस से गुजार के आया, अगले दिन दोस्तों ने दस दिया अपना ख्वाब, तो कोई इनकार करेगा कि नहीं नहीं तू ख्वाब से नहीं जल्दी वाइट हाउस किमें जा सकना है, तेन किन्ने पहुँचा देता? कोई सवाल बनता है बोलें, कोई एतराज़ बनता है ख्वाब पर? नहीं। मेरे मुस्तफ़ा के मेराज पर अगले दिन मक्के के काफरों का इनकार करना कि ऐसे कैसे हो सकता है, उनका इनकार ये बात साबित करता है कि मेरे मुस्तफ़ा ने लोगों को ख्वाब नहीं सुनाई बल्कि हकीकत में सैर का जिक्र फरमाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यार ग्रामी, अगली बात जो मैं कर रहा था कि एक बाज ने तो कहा ख्वाब था, ख्वाब का जवाब आ गया, और दूसरी बात जो बाज ने कहा कि सरकार अलैहिस्सलाम को नहीं, सफ़र तो ये ठीक था, सैर तो ये ठीक थी जिस्म के साथ था, लेकिन अल्लाह ताला से मुलाकात और दीदार ये नहीं हुआ। अच्छा भाई, आप क्यों नहीं हुआ, आप क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं हुई? कहते जी इस वजह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को देखना मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह ताला को देखना। थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे तो जरा मैं भी बोलता रहूँगा, हाँ जी, कि अल्लाह ताला को देखना मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, क्यों मुमकिन नहीं? देखो ना जी, हमने कभी अल्लाह देखा है? हमारी आंखें खुदा देख सकती हैं? हमने, हमारी आंखों ने कभी खुदा को देखा है? अजी नहीं देखा। अच्छा, तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने कैसे देख लिया? अल्लाह को देखना तो मुमकिन नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यार सबसे पहली बात यह है कि इतना कमज़ोर एतराज़ और इतनी कमज़ोर दलील कि एक आम मुसलमान भी कह देगा कि तूने क्या सरकार की आंखों को हमारी आंखों जैसा समझ रखा है? तो तू क्या सरकार की आंखों को हमारी आंखों जैसा समझता है? मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तो नमाज़ पढ़ा रहे थे, हाँ जी, नमाज़ पढ़ा रहे थे। नमाज के दौरान आका अलैहिस्सलाम ने एक कदम मुबारक आगे किया है, अपना हाथ ऊपर किया है। मशहूर हदीस पाक आपने सुन रखी है, और बुखारी बुखारी करने वालों के लिए भी बुखारी की हदीस है कि हाथ आगे किया, पाँव आगे किया, और फिर सरकार ने ऐसे नमाज के अंदर हाथ आगे किया, फिर थोड़ी देर बाद सरकार ने हाथ भी पीछे कर लिया, पाँव भी पीछे कर लिया, नमाज़ पढ़ने लग गए। जब नमाज से फारिग हुए तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा, तो क्या ये भी नमाज का हिस्सा है, हम भी किया करें, अब ये भी कोई फ़र्ज़ हो? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या है? सरकार ने फरमाया इन्नी रअईतुल जन्ना, मैंने जन्नत को देखा, मैंने जन्नत को देखा, मैंने या अल्लाह इन्हां दे बोलन दे सदके सारयां नूं जन्नत बखा, कि मैंने जन्नत को देखा। और सरकार ने फरमाया कि जन्नत में मैं देखता हूं कि मुझे एक फल पसंद आता है, और वो फल तोड़ने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया था, और सरकार ने फरमाया कि अगर वो मैं फल तोड़ लेता ला अकल तुम मा बकियत दुनिया, जब तक दुनिया बाकी है तुम खाते रहते, तुमसे कभी खत्म ना होता। तो मेरे मुस्तफा की निगाह वो निगाह है कि मेरे सरकार मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर खड़े होकर जन्नत का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। और जन्नत कहाँ है? हाँ जी, जिथे जाना हो वे पता तो होना चाहिए ना। जन्नत कहाँ है? सातों आसमानों से ऊपर है। जन्नत कहाँ है बोले? सातों आसमानों से ऊपर। और जन्नत इस जहान का हिस्सा नहीं है। तो मेरे मुस्तफा जमीन पर खड़े होकर सातों आसमानों से ऊपर जन्नत का नजारा कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की निगाहें मेरे मुस्तफा की निगाहें वो निगाहें हैं कि सरकार इस जहान में रहकर उस जहान में देख भी रहे हैं, मुशाहिदा भी फरमा रहे हैं।
तो पहली तो बात ये कि क्या तूने सरकार की निगाहों को हमारी आंखों जैसा समझ रखा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि रब्बे कायनात ने, अच्छा दूसरी एक दलील कहते हैं, नहीं जी देखे ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में कहा था कि रब्बे आरिनी अंजुरु इलैक, ए अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने मना नहीं किया था कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। तो अगर अल्लाह को देखा जा सकता है तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, क्यों नहीं दिखाया? यारानी ग्रामी, मैं समझता हूँ कि ये दलील जो सरकार अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला को ना देखने पर दी जा रही है, यही दलील तो सरकार के रब को देखने की दलील है। अब देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज़ की थी कि रब आरिनी अंजुरु इलैक, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो इसके जवाब में जो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, फरमाया मूसा तू नहीं देख सकता, ए मूसा लन तरानी, तरा हाजिर का सीगा है, मुजारे का सीगा है, इस पर लन ताकीद के लिए आया कि ए मूसा तू हरगिज़ नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के देखने की नफी की है, ये नहीं कहा कि ए मूसा नहीं नहीं मुझे देखा ही नहीं जा सकता, ए मूसा मुझे देखा नहीं जा सकता, मैं तो रब हूं मुझे नहीं देखा जा सकता, नहीं ये कहा ही नहीं। रब ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, ए मूसा अगर देखना है तो मोहम्मद मुस्तफा की आंख लेकर आओ। ऐ मूसा मेरा जलवा मेरा दीदार अमानत है निगाह मुस्तफ़ा की, मेरा जलवा अमानत है निगाह मुस्तफ़ा के लिए, इसलिए कहा कि लन तरानी मूसा तू नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यारन ग्रामी, अब आइए कि जब अल्लाह ताला से मुलाकात हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसकी कैफियत क्या थी, किस सिचुएशन में किस कैफियत में वो मुलाकात हुई, और ये पूरे वाकया मेराज की सबसे नाजुक जगह है, सबसे नाजुक मकाम है। यहाँ इस मकाम पर गुफ्तगू करना अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नहीं होता है, ये सबसे नाजुक मकाम है कि मुलाकात की कैफियत क्या थी। इमाम तिर्मिज़ी ने हदीस पाक को नकल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब आपने अपने रब को देखा तो कैसा पाया, जब आपने अपने रब को देखा तो कैसा पाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूरुन अन्ना अरा, नूरुन अन्ना अरा, नूर ही नूर था मैं जिधर देख रहा था, मैंने जहाँ से देखा अपने रब को नूर पाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और कुरान पाक ने जो इसकी मिसाल दी है, सुभान अल्लाह क्या ईमान अफरोज मिसाल दी है। कुरान कहता है फ़काना काब कौसैन औ अदना, कि जब रब अपने महबूब से मुलाकात कर रहा था, महबूब अलैहिस्सलाम जब अपने रब से मुलाकात कर रहे थे, तो मुलाकात की कैफियत ये थी कि फ़काना काब कौसैन औ अदना, जिस तरह दो कमानें आपस में मिल जाती हैं या इससे भी ज्यादा नजदीक हो गए थे। अच्छा, यहां एक बड़ी हैरत वाली बात है कि इस मुलाकात को कमान के साथ क्यों बयान किया, कुर्ब को, अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब को कहा जैसे दो कमानें आपस में मिल जाती हैं, जैसे दो कमान, कमान समझते हैं ना, एक तो तीर है और दूसरी वो कमान जिसमें तीर रख के चलाया जाता है, तो जैसे दो कमानें आपस में मिल जाती हैं। मेरे जहन में ऐसी एक दिन बात आई कि अगर कुर्ब की मिसाल देनी थी तो हाथों को कह लिया जाता कि इतना एक दूसरे के करीब हो गए कि जैसे दो हाथ एक दूसरे के करीब होते हैं, कुर्ब की मिसाल देना थी तो उंगलियों से दे ली जाती कि इतना करीब हो गए जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब है, लेकिन इस मुलाकात के कुर्ब को कुरान ने कमान के साथ क्यों बयान किया कि जैसे कमाने दो करीब आ जाती हैं, जैसे कमाने। यारानी ग्राम, इसके लिए आपको थोड़ी सी बात समझना पड़ेगी कि अरब के अंदर ये रिवाज था, अरब के अंदर ये रिवाज था कि जब किसी भी कबीले का दूसरे कबीले के साथ इत्तेहाद होता, एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ इत्तेहाद होता, तो उसका तरीकाकार ये होता था कि वो आपस में मजाकरात करके
अपना माहदा लिख के तय करके आपस की सारी बात फाइनल करके, तो दोनों कबीलों के सरदार अपनी आवाम के सामने निकलते थे और आपस में कमाने जोड़ कर निकलते थे। दोनों कबीलों के सरदार अपनी अपनी कमान एक दूसरे के साथ यूं जोड़ के फिर अपनी आवाम के सामने आते थे, गोया कि ये इशारा होता था कि अब हमारा इत्तेहाद हो गया है, अब हमारा इत्तेहाद हो गया है, अब अगर किसी ने इस कबीले पर हमला किया तो ये कबीला भी जवाब देगा, अब अगर किसी ने इस कबीले पर हमला किया तो ये कबीला जवाब देगा। और इस इत्तेहाद का मतलब ये होता कि दुश्मन समझ जाए कि किसी ने इसको तकलीफ पहुंचाई तो उसने इस कबीले को भी तकलीफ पहुंचाई, अगर किसी ने इसको तकलीफ पहुंचाई तो उसने इसको तकलीफ पहुंचाई। रब्बे कायनात ने कमान के साथ मिसाल देकर कहा कि मुस्तफा अपने रब के इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए जैसे दो कमाने साथ जुड़ जाती हैं, औ अदना या इससे भी ज्यादा करीब हो गए। गोया के रब्बे कायनात ने बता दिया कि लोगों जान लेना कि मेरा मुस्तफा मेरा इतना कुर्ब हासिल कर चुका है कि अब किसी ने मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई तो उसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई, किसी ने मुस्तफा को नाराज किया तो रब को नाराज किया है, अगर किसी ने मुस्तफा को राजी कर दिया तो रब भी खुश होता चला जाएगा। राजे मुस्तफा मौलाना ताहिर मंजूर साहब जिंदाबाद। मुस्तफा को किसी ने ईज़ा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई तो गोया के खुदा को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर इसका एक मतलब ये भी है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा को कुछ कहा, रब ताला गोया के ये फरमा रहा है मेरे मुस्तफ़ा को कुछ कहा तो मैं खुद तुम्हारा हिसाब करूँगा और तुमसे उसका बदला दूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि जिसने मुस्तफ़ा की गुस्ताखी की उसने खुदा की गुस्ताखी की, जिसने मुस्तफ़ा को राज़ी किया उसने खुदा को राज़ी कर लिया। ये इत्तेहाद का मतलब था। अल्लाह अकबर। यहाँ एक तबका ऐसा है कि जो सरकार अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करके रब की तारीफ़ करना चाहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वाक़ मेराज हमें बड़े बड़े सबक देता है, बड़ा कुछ सिखाता है। वो खुदा ताला की बड़ी तारीफ़ करते हैं, तौहीद के बड़े अलम्बरदार, हर हर बात में तौहीद, हर हर बात में तौहीद, लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं। मैं कहता हूँ तुम कुरान पढ़ लो और तुम्हें कुरान अगर समझ आ जाए तो सारे मामला सीधे हो जाएंगे कि कुरान में खुद गोया के रब्बे कायनात ने फरमाया कि जिसने मुस्तफ़ा को एज़ा दी उसने मुझ खुदा को एज़ा दी है। तो तुम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को एज़ा पहुँचा कर मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ देकर खुदा को राजी कैसे कर सकते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो किसी ने कहा बखुदा खुदा का यही है दर, दरे मुस्तफ़ा को क्या कहा कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा ये मेराज का मोजज़ा अता फरमाया है कि इसके हर हर हिस्से में, हर हर हिस्से में साहिब अकल और साहिबान दानिश के लिए हिदायत और नसीहत की बातें हैं। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने जब ये सफ़र शुरू किया ना, एक बात जहन में आ गई कि सफ़र शुरू किया तो सरकार ने फरमाया कि मैं जब बैतुल्ला शरीफ से मस्जिद अक्सा जा रहा था तो बुराक पर सफ़र किया। हाँ जी, बुराक पर सफ़र किया ना, और बुराक बर्क से बना है, बर्क कहते हैं बिजली को, बिजली का इसमें मुबालगा, बर्क का मुबालगा बुराक है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार बिजली, हालांकि बिजली से तेज़ क्या होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी, उस पर सफ़र किया, रात के वक्त किया, उस वक़्त लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, बुराक पर सफ़र कर रहे हैं रात के वक्त, और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि रस्ते में इन्नी रअईतु क़ब्रा मूसा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रात को सफ़र है, बुराक पर सफ़र है, इतनी रफ्तार के साथ। पुराने बुज़ुर्ग जो बैठे हैं मुझे मेरी इस मिसाल की तायद करेंगे कि पहले जब हम, अब तो लोकल सफ़र बहुत कम हो गया ना, पहले जब हम बसों पर सफ़र करते थे तो रात को अगर किसी बस वाले को कहा जाता है जी मैंने फलाने स्टॉप पे ला दी,
तो कई दफा ऐसा हो जाता कि या वो सड़क से पहले उतार देता या बाद में उतार देता, पता नहीं चलता था जी, नेरे पता नहीं लगा थोड़ा स्टाफ कितने, ऐसा हो जाता था। तो बस की रफ्तार तो बिल्कुल मामूली सी रफ्तार है, तो उस मामूली रफ्तार में रात के वक्त हमें इतनी बड़ी सड़क नजर नहीं आती। मेरे मुस्तफा बिजली की रफ्तार से सफर कर रहे हैं और इस रफ्तार के साथ मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मैंने रस्ते में मूसा अलैहि सलाम की कब्र को देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह नारे रिसाले, नारे रिसाले, इसमे मेराजुल नबी जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह तआला सलामत रखे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहि सलाम की कब्र को देखा, और सिर्फ कब्र नहीं देखी बल्कि फरमाया कि मैंने मूसा अलैहि सलाम को कब्र में देखा। क्या युसल्ली फी कब्री ही, अपनी कब्र में, वह हुआ कायमुन युसल्ली फी कब्री ही, खड़े होकर कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। खड़े होकर कब्र में मूसा अलैहि सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ी बातें हैं इसमें, बड़ी बातें हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान। कब्र भी इस जहान का हिस्सा नहीं है वो आलमे बरज़ख है, आलमे बरज़ख, इस जहान का हिस्सा नहीं है। और मेरे मुस्तफ़ा ने इस कदर रफ्तार के साथ, और फिर न सिर्फ कब्र देखी बल्कि कब्र में मूसा कर क्या रहे हैं ये भी मेरे मुस्तफ़ा ने देख लिया। बल्कि एक रिवायत में मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुलिया भी बयान किया कि फला सिहाबी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुलिया मिलता जुलता था। अल्लाह अकबर, खदो खाल भी बयान कर दिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। अच्छा, दिलचस्पी इससे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि जब मस्जिद अक्सा पहुँचे तो हज़रत जबरील अमीन जल्दी से सरकार नीचे आए, सरकार अलैहिस्सलाम के बुराक को मस्जिद अक्सा के दरवाजे के साथ बांधा और अर्ज की कि आका तशरीफ लाइए, तमाम अंबिया अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं। बुराक को वहां बांध दिया। अच्छा, दिलचस्पी की बात यह है कि क्या बुराक ने भाग जाना था? जानवर क्यों बांधा जाता है? यही वजह है ना, जानवर क्यों बांधा जाता है? कि कहीं भाग ना जाए, गुम ना हो जाए, इसी वजह से बांधा जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने भी फरमाया कि पहले ऊंट की मुहार बांध फिर अल्लाह पर भरोसा कर, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जानवर बांधा जाता है कि भाग ना जाए, लेकिन हजरत जबरील अमीन मेरे मुस्तफ़ा के बुराक को बांध रहे हैं मस्जिद अक्सा के दरवाजे के साथ। क्या यह डर था कि बुराक भाग ना जाए? वो बुराक कैसे भागता? वो तो कई सालों से रो रो के इल्तिजाएं कर रहा था कि या अल्लाह, जब मुस्तफ़ा की आमद होनी है तो या अल्लाह मैं अपने आप को खिदमत के लिए पेश करूंगा, मुझे कबूल फरमा ले। वो तो दुआएं कर करके मुस्तफ़ा की सवारी बना है, तो इतने सालों की दुआएं, इतने सालों के रोने के बाद ये मुबारक घड़ियां आई हैं कि आज उसकी कमर पे मुस्तफ़ा जलवागर हुए हैं, तो वो कहां भाग कर जाता? हजरत जबरील अमीन ने बुराक इस वजह से नहीं बांधा कि भाग जाएगा, बल्कि इस वजह से बांधा कि आने वाला दौर अकलमंदों का दौर है। बाद सियाने ये भी कहेंगे कि हजरत जबरील अमीन उस्ताद हैं सरकार के, कि कुरान ला के हजरत जबरील अमीन ने आके कहा था इकरा पढ़े, इकरा पढ़ें, कुरान ला के बता सुनाते रहे सरकार अलैहिस्सलाम को, तो हजरत जबरील अमीन तो फिर उस्ताद हो गए ना सरकार के। अल्लाह अकबर, पता नहीं अल्लाह ताला माफ फरमाए कहां कहां से ये सोच लेते हैं। और हैरत की बात ये है कि इनकी अकल सिर्फ सरकार की बेहुरमती और तनकीस के लिए काम करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर अफसोस और क्या हो सकता है। अल्लाह अकबर कि हजरत जबरील अमीन सरकार के उस्ताद हैं, यहां तक कहा लोगों ने। मैं कहता हूं हजरत जबरील अमीन ने 1400 साल पहले ऐसे अकलमंदों की अकलों को बंद कर दिया कि तुम मुझे मुस्तफा का उस्ताद कह रहे हो, देखो मैं सरकार का बुराक मस्जिद अक्सा के दरवाजे के साथ बांध कर सरकार का खादिम और नौकर होने का ऐलान कर रहा हूं कि जबरील सरकार का उस्ताद नहीं है, सवारी बांध रहा है, जबरील दूसरे फरिश्तों की तरह सरकार का नौकर और खादिम है। जबरील उस्ताद नहीं है, नौकर है मुस्तफा का, नौकर है मुस्तफा का। आहा। अच्छा, अगली बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उधर कब्र में देखा,
सरकार ने वो नमाज पढ़ रहे हैं, और जब मस्जिद अक्सा में सरकार तशरीफ लाए तो तमाम नबी वहाँ पर भी मौजूद हैं, और यकीनन उन तमाम नबियों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, हैं जी, कि वो सारे नबी मस्जिद अक्सा में भी मौजूद हैं। उधर सरकार ने रस्ते में देखा कि वो कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं, और सरकार फिर बुराक पर सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इससे अगली हैरत की बात यह है कि मस्जिद अक्सा से जब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ तो छठे आसमान पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हैं जी। उधर एक पीछे कब्र में देखा, फिर मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, और उसके बाद जब छठे आसमान पर गए तो फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो जाती है। तो ये माजरा क्या है? यारान गिरामी समझ लें कि अल्लाह अपने नबियों को, अल्लाह अपने बुजुर्गों को, अल्लाह अपने नेक बंदों को ये ताकत अता फरमाता है कि अल्लाह के नेक बंदे एक ही वक्त में अगर चाहे तो एक से ज्यादा जगह पर भी मौजूद हो सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, मैं आखिरी बात अर्ज करके फिर माहौल बना है, लुत्फ आ रहा है बात करने का, लेकिन फिर आखिर हर चीज़ का जहाँ एक आगाज़ है वहाँ इख्तिताम भी है। मैं आखिरी एक बात अर्ज़ करता हूँ औलिया अल्लाह के हवाले से, बात ज़हन में आ गई और इसी आयत मुबारक से तो फिर बात मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इसी आयत में, जहाँ कुरान में अल्लाह ने सरकार के मेराज को बयान फरमाया, तो फरमाया कि मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा की तारीफ और डेफिनेशन बयान की रब्बे कायनात ने कि मस्जिद अक्सा कौन सी है। फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये वो मस्जिद है कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रख दी हैं, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रख दी हैं। अच्छा, फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि बरकतें मस्जिद के अंदर होती हैं कि इर्द गिर्द होती हैं? हाँ जी, अब बोलें तो सही, हम मस्जिद में बैठे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिद में बरकत मस्जिद के अंदर होती है कि दाएं बाएं होती है? अंदर होती है। लेकिन कुरान में रब्बे कायनात का फरमान है, कुरान में रब कह रहा है कि हमने अल्लज़ी वो मस्जिद बारकना हौलहू, हौलहू, हौल कहते हैं इर्द गिर्द को, कि हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रख दी हैं। मौला, ये कैसी बरकत है? मस्जिद के अंदर बरकत होनी चाहिए, मस्जिद तेरा घर है, उसके अंदर बरकत हो ये तो समझ आती है, लेकिन मस्जिद के दाएं बाएं बरकत का क्या मतलब है? तो यारान गिरामी, ये समझने के लिए हमें पहले गौर कर लेना चाहिए, देख तो लें कि मस्जिद अक्सा के दाएं बाएं है क्या। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द है क्या जो अल्लाह ने फरमाया कि बरकतें हैं, वहाँ है क्या? तो जाकर देख लो, आज भी नेट पे सर्च कर लो, या कभी अल्लाह मौका दे तो जाके देखो, मस्जिद अक्सा के दाएं बाएं नबियों और वलियों की कब्रें हैं। अंबिया की और औलिया की कब्रें हैं, औलिया के मजारात हैं, औलिया अल्लाह की तुर्बतें हैं। तो जिस जगह पर अल्लाह के नेक बंदे जलवा फरमा होते हैं, औलिया अल्लाह जहां पर जलवा फरमा होते हैं, खुद कुरान में रब फरमाता है कि वो जगह बरकत वाली जगह है। मैं कहता हूं हमें बहुत बड़े एतराज का जवाब मिल गया कि मजारात पर क्या लेने जाते हो, दरबारों पर क्या लेने जाते हो। मैं कहता हूं इस आयत ने हमें जवाब दे दिया है कि मजारात पर क्या लेने जाते हैं, उनसे कहें कि खुदा ने जिस जगह पर बरकत रखी है उस जगह पर खुदा की बरकतें समेटने के लिए जाते हैं। अल्लाह की बरकत लेने जाते हैं, अल्लाह की बरकत हासिल करने जाते हैं। अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रख दी हैं। और ये बात मेराज की बात करते हुए, मेराज का मामला बयान करते हुए, मेराज की सैर बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अभी एक बात जहन में आ गई है और मैंने खुदा के लिए कभी पढ़ी नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मिंबर की बड़ी बरकत है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ने मेराज का सफर, मेराज की सैर बयान करते हुए
اللہ نے معراج کی بات کرتے ہوئے یہ فرمایا اسی آیت کے اندر کہ اللہ ذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے جہاں ہمارے نیک بندے ہمارے پیارے جہاں آرام کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ان جگہوں پر برکتیں رکھ دی ہیں، ہم نے ان جگہوں پر برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور یہ معراج کے ساتھ اس کی کیا مماثلت ہے، معراج کے ساتھ اس کی کیا تطبیق بنتی ہے۔ یاران گرامی ایک منٹ بیٹھ جائیں، ایک بیٹھ جائیں، بس دو منٹ ہیں، آپ میری بات سن لیں۔ معراج کے ساتھ اس بات کا کیا جوڑ ہے کہ معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ اولیاء اللہ کی قبروں میں ہم نے برکت رکھ دی ہے، اپنے پیاروں کی قبروں میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ معراج کے ساتھ اس کا جوڑ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کا معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے مصطفیٰ کا معراج یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر آئے اور اپنے رب سے ملاقات کی، یہ معراج مصطفیٰ کا ہے۔ اور تمہارا معراج یہ ہے کہ جب بھی تمہیں تمہارا دل کرے میرے پیاروں کے مزارات پر آ جاؤ، قبروں پر آ جاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا معراج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا معراج ہے۔ معراج بیان ہو رہا تھا نا، اسی آیت میں فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، آخری دم تک، جزاک اللہ، آخری دم تک سرکار کی غلامی نصیب رکھے، اور ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک حضور کی غلام رہیں۔ کہ اللہ ہماری اولادوں کو سرکار کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک تبرک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب، موئے مبارک ہیں، زلفوں کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور یہ کراچی سے ایک بڑے لمبے چوڑے وائے کے ساتھ ہمیں چند دن کے لیے میسر آیا تھا۔ اور ڈاکٹر منیر صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان کے عزیز تھے آرمی میں، وہ ان کو عارضی طور پہ یہ ملا، تو ابھی کل ہمارے پاس آیا، تو میں نے آج یہاں آنا تھا، تو میں نے ان سے کل ٹائم لے لیا کہ آپ میرے ساتھ بھی چلیں گے، اور یہ کل ہم وہاں سرکار کے غلاموں کے لیے یہ تحفہ لے کر جائیں گے۔ لیکن یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ایک ادب ہے، جو سرکار کی ذات پاک کا ادب ہے وہی سرکار کی صفات کا ادب ہے۔ کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آواز بلند نہ کی جائے سرکار کی آواز پر، کہ سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، نہایت تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جی بھر کے آپ زیارت کریں، لیکن کوشش کریں کہ کسی کو کوئی دھکا، کوئی آواز، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، پانی میں پلا دو، پانی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، ایک مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا ٹائٹل اس کے لیے حضور کی غلامی کا ٹائٹل ہے۔ یہ نشان عدل بھی بہت بات کی چیز ہے، سرکار کا غلام ہونا سب سے بڑا تمغہ ہے، سرکار کا غلام ہونا سب سے بڑا تمغہ ہے، اور ایک یہی دولت ہے کہ جس پہ ہمیں آخری دم تک ناز ہے۔ الحمدللہ، آخری دم تک اسی ایک دولت پہ ہمیں ناز ہے، تو اس کو ذرا سارے مل کے کر لیتے ہیں، مل کے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بات ختم کر لیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے محبت کا اظہار کیا ہے، شاعر کہتا ہے جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی میرے آقا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، الحمدللہ، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے
कदर पे मैं नाज करता हूँ अपने मुकद्दर पे मैं आप जैसा मुझे पेशवा मिल गया नाज करता हूँ अपने और ये अजान मेरी बेअसर ही रही ये नमाज मेरी बेखबर ही रही और एक सजदा मेरा खूब सजदा हुआ एक सजदा मेरा खूब सजदा हुआ एक सजदा मेरा खूब सजदा हुआ सजदा करने को जब रहनुमा मिल गया एक सजदा मेरा खूब सजदा हुआ सजदा करने को जब रहनुमा मिल गया नाज करता हूँ अपने मुकद्दर पे मैं आप जैसा मुझे पेशवा मिल गया जब से तेरी नजर से नजर मिल गई।